अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम मोबराइज है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? जब रिमोटली आप किसी चीज़ को दूर से घर बैठे आप डिफरेंट सर्विसेज थ्रू वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह के बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है जो डेली बेसिस पे आप उनको विजिट करते हैं और वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज या जो सर्विसेज है उससे मुस्तफीद होते हैं। जिस तरह के आप वो ऑनलाइन जो वो होते हैं अभी जो LMS है, बहुत सारे जो बहुत सारे स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह कलीम डिजी स्किल है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, दराज डॉट पी के, बहुत सारे वेबसाइट है डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। कुछ अभी ऑनलाइन डिलीवरी के वेबसाइट भी है, फूड पांडा आजकल एक और आ गया है जो मशहूर होता जा रहा है। इस तरह बहुत सारे हैं, आप कुछ भी URL में डाल ले तो किसी भी नाम से मेरे ख्याल में या उसके नाम से रिलेटेड आपको कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इस तरह हम जो टूल या किट इस्तेमाल करेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, उसको मोबराइज कहा जाता है। मोबराइज को हम mobiraiz.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। mobiraiz.com URL में डाल लें, फिर आपके सामने ये वाली डैशबोर्ड या ये व्यू आ जाएगी। इस पे आप अगर मैक यानी कोई ये बेस्ड ऑन वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एप्पल वगैरह पे जो होता है, एप्पल की प्रोडक्ट्स पे वो मैक होती है, और आम जो हम सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं उस पे विंडो इंस्टॉल होती है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम विंडो को कर रहे हैं, हम डाउनलोड फॉर विंडो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्री डाउनलोड फॉर विंडो, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये आपके साथ डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने जाके इसकी फाइल को शो करना है और उस पर डबल क्लिक करके, वन टाइम क्लिक है तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। और इसी तरह की एक इंस्टॉल होने के बाद ये वाली डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वेबसाइट बनाएंगे, ये एक टूल किट है जिस पे हम वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे आप दो तरीक़ों से अपने प्रोजेक्ट या वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर एक, यहाँ पे क्लिक करके आप ब्लॉग्स वगैरह ऐड कर, ब्लॉग्स डिफरेंट टाइप के ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इधर साइट पे आके, आप ये सामने देख रहे हैं क्रिएट ओपन रीनेम साइट, तो हम इस साइट्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारे साथ अगर हमने पहले इसमें कोई काम किया हुआ है तो वो वाली वेबसाइट यहाँ पे होगी, अगर नहीं हम नई वेबसाइट क्रिएट कर चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा ये साइट नेम आपसे पूछ रहा है। लेट सपोज भी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं अपने इस बूट कैंप के लिए, तो हम नाम देंगे कोविड COVID-19 बूट कैंप, ये हमारे वेबसाइट का नाम हो गया। ठीक है, इसके लिए हम थीम को अब वो
सेलेक्ट करेंगे ये दो थीम्स है, आप इसके अलावा और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें अगर आपको कोई पसंद आए। लाइक सपोज मैं इसको अपना थीम बना लेता हूँ, ये मैं आप ये थीम रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस आई वांट इट टू बी माय वेबसाइट थीम। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप अपना भी कोई उसमें थीम डाल सकते हो। अभी वो थीम लोड हो रहा है, अभी हमारी वेबसाइट जो है उस पे हम कुछ ब्लॉक्स ऐड करेंगे। ठीक है, जिस तरह ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, ये देखिए आपको ये एक साइन दे रहा है कि यहाँ पे क्लिक करके आप अपने वेबसाइट पे ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। नंबर सबसे टॉप पे जो होती है, और नॉर्मली किसी वेबसाइट में मेन्यू होती है, अगर आपने कहीं पे विजिट किया हो तो कोई भी वेबसाइट उसके टॉप पे उसकी मेन्यू होती है, तो हम इसको टॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हेडर होती है, हेडर में आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। ये दो चीजें थोड़ा, ये जो हमने मेन्यू डाल लिया है इसमें बहुत से काम हमने आगे जाके करने हैं। लाइक सपोज जस्ट फॉर अ वाइल हम कुछ चीजें इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ये हेडर भी हमने डाल दी, आप गैलरी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के स्लाइडर एंड गैलरी आपने वेबसाइट देखे होंगे, चार पांच वो जो तस्वीरें होती है वो स्लाइडर पे डाल के वो डिफरेंट 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद वो बैक एंड फोर्थ मूव होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें वीडियोस वगैरह भी आप डाल सकते हैं। डिफरेंट जितने भी पेजेस है, फुटर आप डाल सकते हैं, फुटर हम डाल लेते हैं। ये सबसे नीचे यानी जो पार्ट होता है हमारे वेबसाइट का, जिसमें वो लिंक्स दिए गए होते हैं डिफरेंट साइट की, या डिटेल कॉन्टेक्ट अस वगैरह का दिया हुआ होता है, वो चीज़ें आप इसमें डाल सकती है। ठीक है, ये एक फुटर में ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें हमने डाल ली, से हम आगे ऊपर आते, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है इसमें हमने अपनी तरफ से यानी अपनी वेबसाइट के मुताबिक कुछ डाल सकते हैं, इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जिस तरह के ये एडिटेबल है। मैं इसमें चूंकि हमारा ये वेबसाइट उसके नाम पे है, COVID-19 बूट कैंप के नाम पे, तो यहाँ पे हम तफसील डाल सकते हैं, दिस वेबसाइट इज सपोज टू रिप्रेजेंट समर बूट कैंप। या हाँ ये भी कोविड
इसकी हेडिंग भी आप उसको दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने इस वेबसाइट का जो नाम रखा था COVID-19 bootcamp। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो इसकी फॉन्ट की, इसका टाइटल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। हम टॉप टाइटल वन हमने क्लिक किया होगा, या इसको अलाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये आप राइट साइड पे है, आप इसको लेफ्ट पे ला सकते हैं, दोबारा भी आप इसको मिडल में या फिर राइट, जिस साइड पे आप इसको रखना चाहते हैं हम इसको मिडल पे रखेंगे। ठीक है, ये इसी तरह आप इसमें, ये एक बटन है, अब हम लेटर इसमें लिंक्स डालेंगे, डिफरेंट आप आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और फीचर्स आप इसको ऐड कर सकते हैं, कलर्स आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये नॉर्मली होता है, जब आपने अगर देखा हो तो जब ये ये जो राइटिंग डिटेल होती है, डिस्क्रिप्शन ये ज्यादा होती है, तो स्क्रीन पे ज्यादा हम नहीं दिखा सकते, तो उसके नीचे ये वाला बटन होता है जिसपे हम क्लिक करने के बाद पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी बैकग्राउंड जो इमेज है वो भी आप रख सकते हैं, कोई रिलेटेड टू अपनी जो वो हो, अपनी यानी मैं लेट सपोज COVID-19 बूट कैंप, तो मुझे यहाँ पे किसी स्टूडेंट वगैरह का पिक्चर डाल लेना चाहिए था, लेकिन आप ये कर सकते हो। इसके अलावा या मेन मेन्यू में आके आप इसको भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले तो ये हमने चेंज करना है, ये टाइटल इसकी टाइटल हम रख लेते हैं, ठीक है जी, बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा, ये ठीक रहेगा। अब इसकी अच्छा, ये लोगो आपने नाम सुना होगा, आप इसमें अपनी लोगो डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं इसमें, यहाँ पे चलो ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है तो हम इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लोगो चेंज हो गया। अच्छा, इससे आगे हम कल करेंगे, अभी यहाँ तक जो हमने किया है इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है जितना हम